भैया हरो राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली, हमें राजेंद्र त्रिवेदी। सबसे पहले तो भैया हम अपने दर्शकन का धन्यवाद देवो चाहत, आभार जताबो चाहत, उनको नमन वंदन कर रहे कि हमारे दर्शक ही हमारे सब कछु हैं। वे ही हमें प्रेरणा दे, वे ही हमें साहस दे, वे ही हमें हिम्मत दे, वे ही हमें जो प्यार दे रहे हमारे दर्शक। तो भैया सबसे पहले तो हम अपने दर्शकन का नमन करें। इसके बाद हम अब खबर की शुरुआत कर रहे हैं कि जैसे आप उन्हें जानते हो कि बुंदेली चुगली हमेशा खबरें हटके दिखाऊ, हटके खबरन के लाने बुंदेली चुगली जानी जाती। हमने ये तलैया की प्रमुखता से खबर दिखाई थी। जब 168 घंटा को अभियान चलाओ गए तो कलेक्टर महोदय की तरफ से, CMO की तरफ से, तो हमने प्रमुखता से वही समय पर जब खबर दिखाई थी कि राम जानकी मंदिर सामने है, इतने मताई बहनें पूजा पाठ कहाँ आती, और इतने इतनी गंदगी है कि भैया इनको जीवो हराम है, वे बेचारी निकलें तो कैसे निकलें। तो हम प्रशासन को भी आभार जताबी, प्रशासन को भी भैया हम स्वागत कर रहे, वंदन अभिनंदन कर रहे कि प्रशासन ने बुंदेली चुगली की खबर को असर जानो, देखो और असर भाओ, उन्हें लगो कि नहीं भैया विकास ही को भाव चाहिए, तलैया को निर्माण अच्छे तरीका से भाव चाहिए, सुंदर भाव चाहिए, गंदगी ना रहो चाहिए। भैया वही कार्यक्रम में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह वे भैया जितनी तारीफ करी जाए कम है, जौन हिसाब से उन्हें 168 घंटा को बीड़ा उठाओ और जौन काम का अंजाम दो, कार्य योजना बनाई CMO ओमपाल सिंह ने, और जौन हिसाब से उन्हें योजना का अंजाम दो भैया सराहनीय पहल, और ऊखर रोको नहीं है। इसके बाद उनने मोहल्लन की सफाई शुरू कराई, घर घर कचरा वाली गाड़ी जान लगी भैया, उसमें भी बहुत साफ सफाई में फर्क आ रहा, शहर में बहुत ही ज़्यादा आ रहा, जो उनकी बंद हती है फिर से चालू कर दी उनने, सब कुछ व्यवस्था उनकी चालू हो रही। पानी खा ले के भी जगह जगह भैया प्रयासरत है कि गर्मी आ रही, इनके पहले के जनता परेशान हुए उनमें भी लगे हैं प्रमुखता से इंतजाम कर रहे। अब हम वही खबर खा भैया आपका बार बार दिखवा रहे कि देखो जाहे तलैया, इस तलैया में जो लाइव प्रस्तुति है भैया बुंदेली चुगली की, आप उन्हें बड़े गौर से देखो। जब तलैया हमने आपका दिखवाई है थी कि मैं चारों तरफ से नाना नालियन को पानी आउत, और जब पंप लगो देखो भैया खाली करवे के लाने, जैसो कि हम आपका सामने दिखवा भी रहे कि तलैया खाली करी जा रही पूरी, इनकी कार्य योजना बहुत अच्छी बनाई गई, और शासन प्रशासन को विधायक आलोक चतुर्वेदी भैया छतरपुर विधायक, उनको भी साधुवाद, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उनने जब पहल करी। 68 लाख रुपया भैया एक तलैया के लाने निकालो गो बजट, तलैया के नाम ही से है वो, इतने से एक नाला बनने हो जाके बिजकिशोर पटेरिया तक एक नाला बने जिसे सबरी जी जितनो गंदो पानी आउट है जो सब नाला में जो है ना कि तलैया में, इनमें एक बोर भी कराओ जा रहा हो तलैया में, आगे एक सुंदर सरोवर बना रहे, जानकी कुंड को रूप दे रहे, उनकी योजना जा है भैया हम बताएं आपका कि ये तलैया खा भी जानकी कुंड बना है, कहीं सामने राम जानकी मंदिर है, तो जो बहुत अच्छी कार्य योजना है भैया, बहुत अच्छो प्रयास है जो प्रशासन को। अब इनकी जो भी रूपरेखा रखी गई है आगे के लाने भी उनकी बृहत योजना तैयार हो चुकी कि हमें ऐसो करने, इनके विकास के लाने इनको सौंदर्यीकरण करो जा रहा हो भैया कि जब एकदम सुंदर तलैया बने, इनकी नाली आली जितनी है वो बंद हुई है, इनको रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए है, अचड़ा कचड़ा पन्नी अन्नी भैया मोहल्ला वालन से भी बड़ी प्रार्थना है हमारी कि वे भी ध्यान करें और वे भी देखें कि कचड़ा ना फैलाएं, गंदगी ना फैलाएं, कैसे कि शासन इतना प्रयास कर रहे हो तो हमारा भी फर्ज बने, सभी जन को फर्ज बने कि हम इका दिखाएं, प्रमुखता से दिखाएं और लोगों का जो भी समझाएं कि भैया इसमें कचरा ना डालो। अब जो है देखो इतने से भैया को रास्ता भी दौ जा रहा हो, पहले रास्ता जो बंद हो गए तो 12 फुट हतु, फिर बचा तू 5 फुट हतु, अब जैसे जो कछू हो जो पुराना मामला है, खैर अब हम इस मामला में न जेबी, अब तो हम प्रमुखता से जो साफ सफाई दिखावी कि जो देखो आप देख सकत कि हमारे भैया लोग लगे हैं, कितनी तत्परता दिखाओ काम में बेचारे, 168 घंटा से जब से शुरू भए थे, आज भी CMO साहब और हमारे कलेक्टर साहब भैया बहुत बहुत आभारी हैं हम उनके कि कम से कम बुंदेली चुगली की खबर को असर भाव ने तत्काल कही कि नहीं हम ही तलैया को ध्यान दे भी, और हम एक एक तलैया तला जितते हैं साफ सफाई करवा भी, और सबको सौंदर्यीकरण हुई है, सब अच्छे लगे, सब जो कछु व्यवस्था जनता का चाहने हम व्यवस्था करके दे भी। तो भैया इसे अच्छो तो कछु हो ही नहीं सका। अब देखो जब तलैया हम आपका बार बार दिखा रहे कि अभी तो गंदगी बहुत है, साफ सफाई हो रही है, पूरी तलैया खाली करी जा रही, और खाली करवे के बाद इसमें बोर हुई है, इसमें नव पानी आ है, जेठानी है भैया सब जने मताई बहने
तो हम बात करवा रहे, देखो भैया इनको उत्साह देखो जा सकत, सब जने बहुत प्रसन्न है कि हमारे इतने पूजा पाठ करवे आते, हम गंदगी रहती बड़ी परेशानी होती। तो भैया बुंदेली चुगली ने खबर प्रमुखता से दिखाई इन्हें ओरन के लाने कि इन्हें तकलीफ ना हो, तलैया को सौंदर्यीकरण करो जा। तो आज देखो उनके चेहरा में अलग खुशी है भैया, उन्हें भी लग रहा हो कि नहीं अब हमारा पूजा पाठ में कोनो खलल न पड़े, व्यवधान न पड़े, बढ़िया सुंदर तल सरोवर हो रही, कोई जानकी कुंड को रूप दो जा रहा हूँ। तो हमारी मताई बहनन के लाने जब भैया बहुत बड़ी खुशखबरी है जा कि जानकी कुंड जसुई तलैया का बनाओ जाने को बजट भी पास भाव, हम आगे जिक्र कर भी उको। पहले हम इनसे जान रहे कि इस तलैया को सौंदर्यीकरण हो रहा हो, जो हो रहा हो तेने आज कैसो लग रहा हो, और जिस जनता का क्या संदेश दे है मोहल्ला वालन का कि मोहल्ला वालन को का दायित्व है, मोहल्ला वालन का भी कछु समझने का करने का नहीं करने। आज हम राम जानकी मंदिर के सामने खड़े हैं जी। राम जानकी मंदिर के सामने तलैया है, बहुत गंदगी रहती थी, यहाँ सियोमो साहब नगर पालिका के उनके सहयोग से तलैया की बहुत अच्छी सफाई हो रही। हमारी बाट की सब महिलाएं रोज़ हिस्से में भाग ले रही हैं, सब सिमदान कर रही हैं और सब बहुत अच्छे से काम करने के लिए बहुत अच्छी कर रही कि यहाँ कोई सुंदरकरण बढ़िया हो जाए, बस यही चाहते हैं हम लोग बस। तो भैया देखो मांग उनकी वही है, सीमित मांग रात हमारी मताई बहनन की, ज़्यादा नहीं रात, जितने में हो उतने में गुजारा कर लेती हूँ, उन्हें अनुभव आती चीज़ को। उनकी भी मांग यही है कि बस इखो अच्छो सुंदर बना दो जा जी में हमारी पूजा पाठ होत रहा है। तो मोहल्ला वालन के लाने का कहने, मोहल्ला वालन का कुछ संदेश देने, मोहल्ला वालन से ये संदेश देना है कि सब लोग मिल के वहाँ कचरा नहीं डालें, वो साफ सफाई कछु अपन लोग खा भी करना है, और सब मताई बहनें सब लोग अनखो मंदिर के सामने अच्छा बनाना है कि जहाँ जैसे राम जानकी सुंदर हैं वैसा सुंदर बनना चाहिए। बहुत सुंदर संदेश है, देखो सुनो जा सकत कि भैया सुंदर बनाने, जैसे भगवान सुंदर है वैसे ही हमें अपनों जो सरोवर सुंदर करने। अब भैया हम धीरे धीरे एक क्रम में दिखाओ जा रहे, जैसे कि हम आपको बार बार बताओ भी जा रहे कि ई तलैया के लाने योजना तैयार हो चुकी, हमारे सीएमओ साहब सामने खड़े हैं, अब हम उनके सामने जाके उनके भी विचार जाने। भैया कैसे करता धरता वे ही हैं, वे सब कुछ करत हैं, उन्हीं का सब कुछ जाना चाहिए। भैया उनकी जो कार्य योजना बनाई गई तो जे हैं भैया हमारे सामने, हमारे शहर के हीरो हो गए, अब अधिकारी अपनी जगह हैं भी, उनने ऐसे काम करे कि हम तारीफ दिल से तारीफ कर रहे। भैया जे हैं सीएमओ श्री ओमपाल सिंह जी हैं, इनकी कार्य योजना भैया कंप्यूटर इनके दिमाग में रात भी तैयार करे थे, उनका साकार रूप देते हमारे कलेक्टर शीलेंद्र सिंह वे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते। भैया उनको भी साधुवाद, इनको साधुवाद ऐसे अधिकारी इनको कि जी ने शहर का गोद ले लो कि साफ सफाई से लगा के पेयजल व्यवस्था में भी उनको ध्यान अभी से हैं कि गर्मी आ रही, गर्मियों में भी आदमी का पानी को संकट ना हो तो भैया पाइप लाइने देख सकत कि मोहल्ला मोहल्ला घर घर पहुँच रही। तो वे प्रयास पूरो कर रहे हैं अपने तन मन से लगा के कि भैया जो कछु भी हो हमें शहर का सुंदर बनाने। तो भैया जनता से भी अपील है, शहर की जनता से भी हाथ जोड़ के बुंदेली चुगली की अपील है कि भैया हर शहर का सुंदर बनावे, प्रशासन को सहयोग करो, प्रशासन की कदम ताल से मिल के चलो, प्रशासन अच्छो कर रहो तो हमें भी अच्छो करने, कचरा न फैलाओ, गंदगी न फैलाओ, अपने शहर का स्वच्छ रखो। जैसो कि तलैया के लाने उनने कही भी थी, एक तलैया के लाने नहीं उनको कहबो है कि हम हर तला तलैया जितने हैं हम उन्हें सुंदर करके साफ करके शहर की जनता का दे भी, लेकिन जनता को उत्तरदायित्व तो कहा है कि दोबारा फिर वे गंदी ना हो पाए, वे कहाँ तक करें, प्रशासन कहाँ तक करें, प्रशासन का बहुत काम है, तो प्रशासन के संगे हमें भी लगने पड़े भैया। अब उनकी जो कार्य योजना है भैया 68 लाख रुपये, छतरपुर विधायक को भी सहयोग है भैया, उनको भी साधुवाद दे भी है, आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया उनने भी सहयोग करो है, शासन प्रशासन ने कार्य योजना तैयार करके बजट सब करके 68 लाख को एक नाला बन रहा हो भैया, जो इतने से जाके किशोर पटेरिया तक के थे जे है, जितनों गंदगी निकलत है, जितनों गंदो पानी है, नाला नलैया जितने भी हैं भैया इनमें गिर रहे वो सब कछु खत्म हुई है। इस तलैया में एक बोर करावे की भी योजना है कि भैया इनमें एक बोर कराओ जाए, जैसे कि हमने आपको पहले देखा हो कि खाली करी जा रही पूरी तलैया, पंप लगे हैं, साफ सफाई करवे के बाद बोर हुई है, गहरीकरण भी होने और उसको सौंदर्यीकरण होने। तो भैया इसके लाने तो प्रशासन को हम बहुत बहुत साधुवाद दे रहे, हम ज़्यादा समय न लेके हूँ, विकास से उनके काम बहुत है भैया, अभी 10 मिनट खेते आए अभी फिर कहूँ ये हैं। तो भैया हम उन्हें से विचार जान भी, शहर खां आगे और कितनों सुंदर बनाने का का उनकी रूपरेखा उनने तैयार करी, का का उनकी कार्य योजना है, का वे समाज का संदेश दे हैं, छतरपुर का क्या संदेश दें भैया, सब विचार अब ओमपाल सिंह जी से हम बात कर रहे हैं। भैया सुनो आप सभी जन, सर आपको बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली चुगली परिवार में, आपने जो करो है जो आप कर रहे तो वो तो साधुवाद हम जितनों भी दे कम है, आगे की कार्य योजना का है, रूपरेखा का है?
इस तालाब को जन सहयोग से हम लोगों ने जानकी कुंड नाम प्लान किया है, जानकी कुंड बनाने की योजना है। सामने राम जानकी मंदिर है और लोगों की आस्था इस तालाब में पहले से रही है। लोग बताते हैं पहले कभी ये नहाने लायक हुआ करता था, तो अभी जो गंदा पानी है इसको निकाल के जो इसमें मिल रहे हैं नाले, उनको हम लोग डाइवर्ट करने की योजना बना रहे हैं। जब तक उनको डाइवर्ट करते हैं और प्लान बनता है, नाला बनता है, तब तक हम लोग सोखता गड्ढा के माध्यम से इस पानी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हालांकि बहुत सारे लोग इस अभियान का हिस्सा बन चुके हैं, लोग खुद से जुड़ रहे हैं। कल स्कूली बच्चे आए थे और बहुत सारे संगठन, बहुत सारे जनप्रतिनिधिगण, बहुत सारे पूर्व पार्षद वगैरह सब लोग, बहुत सारे लोग इसमें जुड़ रहे हैं। तो ये एक अच्छा मैसेज है शहर के लिए कि शहर के लोग में इतनी जन जागृति आ रही है और मेरी अपील यही है लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस अभियान का हिस्सा बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं अपने शहर को साफ करने के लिए प्रेरित हों। ये काम, जैसा आपने कहा कि ये काम प्रशासन एक बार कर सकता है, लेकिन उसको सस्टेन रखना ये लोगों की जिम्मेदारी हो। अभी हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे आए हैं, महाकाल ग्रुप के लड़के आए हैं और बहुत सारे व्यापारिक और स्वयंसेवी संगठन और लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पे, महिलाएं भी आई हुई हैं आपके नेतृत्व में। तो लोगों से बस यही अपील है कि सभी लोग खुले मन से एक बार छतरपुर के जो धरोहर हैं, जो तालाब हैं और जो अन्य कुआं, बावड़ी और इस तरह की चीज़ें, उनको बचाने के लिए खुले मन से सामने आए। और हम लोग अभी जल्दी इसमें एक बाउंड्री वाल प्लान कर रहे हैं जो जन सहयोग से बनेगी, और इसके बाद वृक्षारोपण का और घाटों का और इस तालाब के सौंदर्यीकरण का प्लान है। इसमें एक गेट लगेगा और लोग जो दानदाता हैं, जो लोग इसमें जन सहयोग करेंगे, उनके लिए एक पत्थर लगाने की योजना है कि उनके नाम उस पर अंकित करा दिए जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां उस मैसेज को, उनके योगदान को महसूस कर सकें। जी तो भैया, बहुत बहुत साधुवाद है बुंदेली चुगली परिवार की तरफ से ऐसे अधिकारियों का कि जिन्हें अपनो शहर समझ के पूरा विकास करो। भैया, हम प्रमुखता से जो भी दिखा भी देखो कि हमारे भैया हरे जी लगे रात, ये मीडिया है भैया विंध्य शक्ति के संपादक हैं, सामने हैं संपादक जी हैं भैया, और जे हमारे भैया पप्पू भैया हैं, ये दुनिया जाना, नाम बतावे की जरूरत नहीं है। तो जो सहयोग भैया बनत है भाई लोगन से, हमारे वे भी बराबर करत हैं, सवेरे से वे भी ड्यूटी में आके हाजिर हो गए भैया तरफ, पप्पू भैया का प्रमुखता से दिखाओ तुम। और वैसे तो वैसे दबावे की दिखावे की जरूरत नहीं है, काहे दुनिया जानत है, लेकिन इतने भैया इतने का जहाँ भी कोनो ऐसी खबर हो तो भी प्रमुखता से हमारे भैया लोग पहुँचत हैं, मीडिया अपनो योगदान देत है, जितना सहयोग मीडिया को हो सकत भैया जी पहुँच के उपस्थिति अपनी दर्ज कराऊ। अब हम उनके भी विचार जानवी के इतने आके आगे संदेश का है साथन के संगे भैया कदम से कदम ताल मिला के हमारे भैया रे चल रहे। लेकिन बहुत बहुत साधुवाद है ऐसे लोगों को कि जो हर खबर खां प्रमुखता से दिखाऊ कि हाँ जो सही है, जो ऐसा बहुत चाहिए। तो भैया अब हम उनके विचार भी जानवी दो शब्दन में क्या कह रहे। आगे आने वाले समय में अगर जल स्रोतों को अपन नहीं ध्यान देंगे तो बहुत विकराल स्थिति पैदा होगी, इसलिए सभी के मनसा अनुसार इस पर सब जनभागीदारी से, सहयोग से, जो अपना श्रम के द्वारा, अर्थ से, जो भी सहयोग करना चाहते हैं इसको अपन जीर्णोद्धार करके, और कोशिश, ये पहली तालाब नहीं रहेगा, बाकी तालाबों में भी इस तरीके से अभियान चलाया जाएगा कि जनभागीदारी से सब लोग इसमें सहयोग करें। सरकार तो करती है, शासन करता है, सब कुछ करता है, लेकिन जब तक जनता का रुझान उसकी ओर, उसका बचाव की ओर नहीं रहेगा, तब तक अपन उनको नहीं संभाल सकते। तो अपनी कोशिश यही है कि इसमें सबका सहयोग मिल जाए, और निश्चित रूप से सबका सहयोग मिल रहा है, और जल्दी से जल्दी इसका एक महीने डेढ़ महीने के अंदर जीर्णोद्धार देखने मिलेगा। तो भैया मीडिया बंधुओं को भी, अपने भैयान को हम बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं कि कम से कम तत्परता दिखाओ भी ऐसे कामन में। अब देखो हम आपका एक बार फिर दिखवा के जब प्रस्तुति भैया ख़त्म कर रहे हैं, बुंदेली चुगली की जो लाइव प्रस्तुति है, ये पे हमारे भैया लोग सब आ चुकी है, जैसे कि कार्य योजना है, CMO साहब ने सब कछु बखान भी कर दो कि तो बाउंड्री वाल बनाई जाने चारों तरफ से, अब सोखता गड्ढा खोदे जा रहे कि जिसे जो पानी, गंदो पानी जितो है वो रोको जा सके, जो भैया राम जानकी मंदिर है यही के लाने जो सब करो जा रहे हो, जानकी कुंड को रूप दो जाने ही खां। अब हम जब प्रस्तुति अपनी भैया
आगे ख़त्म कर रहे हैं, आपका लास्ट को सीन अंतिम सीन और दिखवा दें एक भैया, तो हम भी प्रयास करेंगे जैसे तैसे। देखो भैया जी पंप लगे हैं, तलैया खाली कर देंगे, लाने पंप चल रहे हो, तलैया खाली हो और फिर तलैया में सौंदर्यीकरण करो जाए, वृक्षारोपण भी होने। भैया इनकी बहुत अच्छी योजना बनाई गई है नगर पालिका CMO ओमपाल सिंह जी के द्वारा, कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने जो काम करे हैं भैया वे बधाई के पात्र हैं। हम बार बार जैसे कि आप कह रहे हैं बुंदेली चुगली अगर अच्छो है भैया तो अच्छो दिखाओ, बुरो है तो बुरो दिखाओ, सही जो है सच्चाई हमें बाप ने दर्शकन के सामने रखने हैं। और हमारे दर्शक यही चाहते हैं कि बुंदेली चुगली हमेशा सच्चाई दिखाऊ थे, तो वे हमें अपनों प्यार दिए। अब भैया जो है देखो जैसो कि हम आपका दिखा चुके, ये तलैया की खबर बुंदेली चुगली ने प्रमुखता से दिखाई है, तो शासन ने उसमें अमल करो। अब भैया बुंदेली चुगली की यह लाइव प्रस्तुति ये तो हम समाप्त कर रहे हैं। आपका खबरें कैसी लगती, हमें का सुझाव देने आपका, हमें कैसी खबरें करने हैं, कैसी आपका पसंद है, जो भी है आप ही को चैनल है, आप ही लोगों को प्यार है, आप ही लोगों को सहयोग है, तो हम बार बार साधुवाद तो अपने दर्शकों को देते नमन करत। भैया जब प्रस्तुति तो हम ख़त्म कर रहे, आगे फिर कौन खबर लेके हम आप लोगों के बीच में फिर हाजिर होगी। तब तक के लाने भैया यूट्यूब चैनल देखो, दिखाओ सबका, बताओ कि जो हमारा बुंदेली चुगली चैनल आपको अपनो चैनल बुंदेली चुगली चैनल भैया और सभी जनन खान सवेरे सवेरे की बासे मो ताज़ी खबर बुंदेली चुगली की बासे मो ताज़ी खबर है भैया। सभी जनन खान राम 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 राम, हमारे सहयोगी शीतल है भैया उनकी तरफ से भी राम राम सभी जनन।